नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो को मैंने आज यानी कि मंगलवार फरवरी 6 के फिन निफ्टी एक्सपायरी के बाद के सारे डेटा के बेस पर बनाया है। मार्केट अभी भी वही टर्बुलेंट मूड में है, एक दिन डाउन वापस झपक के ऊपर। कल हमने मंडे को एसबीआई रिजल्ट का रिएक्शन देखा, आज हमने टाटा केमिकल का रिएक्शन देखा। टाटा केमिकल इवन दो वेटेड स्टॉक नहीं है, बट टाटा स्टॉक शार्प गैप डाउन, वो भी मतलब काफी दिनों से डिक्लाइन में था स्टॉक, शार्प गैप डाउन और उतना ही शार्प बाउंस बैक। और वो एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप ऑप्शन स्टॉक्स का स्टडी करते हैं तो आप देखिएगा उसमें कि डिक्लाइन पर भी 1000 के स्ट्राइक के पुट में ओआई ज्यादा कम नहीं हो रहा था। मतलब वो राइटर, पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंट थे उसमें, या हेज ट्रेड था जो भी, आज पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा, बिकॉज 935-25 से स्टॉक 990 बंद हुआ। बट सिवियर डिक्लाइन के बाद बाउंस है आज का ग्रीन कैंडल। बट इंटरेस्टिंग सेटअप है पूरा, अगर आपको पसंद है आप उसे स्टॉक को उस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन राइटर का आज उसमें क्या सीन हुआ होगा ओपनिंग के पहले 15-20 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और किसने क्या किया। तो एफआईआई का लॉन्ग भी है और साथ में थोड़ा शॉर्ट्स भी ऐड किया है उन्होंने, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों साइड में, बट ओवरऑल माइनर नेट पॉजिटिव आज के मार्केट में। कल भी उन्होंने थोड़ा सा नेट था उनका, बट वो मेजरली कुछ 10,000 ऑड क्वांटिटी, 11,000 क्वांटिटी लॉन्ग ये था, वैसा स्ट्रक्चर था। अनवाइंडिंग शॉर्ट्स बहुत कम थे कल, कल लॉन्ग अनवाइंडिंग थे तो आज वापस लॉन्ग आ गए उनके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 47 क्वांटिटी का चेंज, प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी लॉन्ग, हैवी ड्यूटी लॉन्ग करके गए 13,000, कुछ नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग उनका इधर में, डबल से ज्यादा कर दिया अपना नेट पोजीशन प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स बहुत नॉमिनल लॉन्ग बट हैवी ड्यूटी शॉर्ट करके गए, बहुत दिन बाद क्लाइंट्स का वन साइडेड बेरिश व्यू देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो अभी भी वही नेगेटिव है, बट काफी कॉल्स उन्होंने स्क्वायर ऑफ किए हैं। देखिए यहाँ से 1,85,000 से सीधा 67,000 कर दिया बैंक निफ्टी एक्सपायरी के पहले। पुट्स 1:1 अभी भी वैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 25,000 1:1 जैसा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का एकदम आज हम छुट्टी में रहेंगे मोड था। प्रॉप डेस्क काफी अनवाइंडिंग है कॉल्स में, आप देख सकते हो, बट ज्यादा शॉर्ट कवरिंग किया है, आप देखो यार जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। और अब उनका 3,21,000 सीधा 1,85,000 का कॉल पोजीशन बंद, और दूसरे साइड में पुट भी उन्होंने भयंकर कवर किया। तो ओवरऑल प्रॉप डेस्क इंडेक्स में सुपर बुलिश थे आज, फ्यूचर्स भी खरीदा है, कॉल शॉर्ट्स कवर किया है, पुट्स को भी जबरदस्त शॉर्ट किया है। प्रॉप डेस्क लग रहा है तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई के लिए कल परसों के बेस में, जिस तरीके का उनका पोजीशन बन के आया है आज। क्लाइंट्स लॉन्ग्स में जबरदस्त अनवाइंडिंग है, देखिए आप 5 लाख लॉन्ग सीधा 2,52,000 बाउंस आया, ऊपर गया मार्केट, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। क्लाइंट्स का पुट्स में भी आप देखो जो जबरदस्त शॉर्ट था वो आप बहुत नॉमिनल कर दिया, 1,50,000 को 55 शॉर्ट्स। तो क्लाइंट्स एक साइड सुपर बेरिश मोड आज के हिसाब से, उन्हें लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट 1-2 दिन में नीचे के तरफ निकलेगा, इस हिसाब से ऐसा सेटअप। तो एकदम 1:36 का आंकड़ा प्रॉप और क्लाइंट्स का आज स्क्रीन में हमें देखने को क्लियरली दिख रहा है। एफआईआई की तरफ से नेट न्यूट्रल है, इवन दो स्लाइट कॉल शॉर्ट्स कवर किया बट पुट भी थोड़ा बढ़ाया, और फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो क्लाइंट एफआईआई नेट न्यूट्रल सीन में बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का आप देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त है आज, और शॉर्ट कवरिंग भी है, ऐसा नहीं है तो कोई स्पेसिफिक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग जैसा लग रहा है। डीआईआई जबरदस्त शॉर्टिंग है आज 10,000, अगेन उनको अपने कैश स्टॉक्स को संभालना पड़ता है। प्रॉप डेस्क इधर भी सुपर बुलिश, 19,000 प्लस लॉन्ग, 6,300 शॉर्ट, 1:3 लॉन्ग के सामने 1 शॉर्ट। क्लाइंट्स इधर बुलिश है, 25,000 लॉन्ग, 11,000 कुछ शॉर्ट करके गए, यहाँ पर क्लाइंट्स का मूड कुछ अलग है।
चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे में क्या हुआ मार्केट में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ 2 स्टॉक आए, इनमें भी ओआई चेंज बहुत ज्यादा नहीं है, बट कैटेगरी में आ जाते हैं। वो बिलो 10% लॉन्ग अनवाइंडिंग ओआई हुआ है इन दोनों में, बाकी में तो ना के बराबर है। किसी में 2% है, 5 दिन में 1% है। तो मार्केट में अभी तक हमने स्टॉक्स में पैनिक नहीं देखा है, इंडेक्स में वॉलिटिलिटी देखा है, स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही। अभी तक जो सीन दिख रहा है, इतनी जल्दी कोई गिव अप नहीं कर रहा है। हमने यहाँ भी देखा कि एक्सेप्ट एफआईआई आज, और डीआईआई तो चलिए हेज वाले है, प्रॉप और क्लाइंट दोनों ने आज बुलिश स्टैंड स्टॉक्स में लिया है। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में वही स्टॉक का मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरम टारगेट कर देता है या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट ओआई इतना बड़ा है तो शायद आपको कोई ना कोई ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है उसमें। पर इसीलिए जो भी बार बार रोज हमेशा रिपीट करता हूँ, नॉट नेसेसरी सेम सेगमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका, टाटा केमिकल का स्टॉक पहले से बहुत गिर रहा था, काफी डिक्लाइन था, आज भी शार्प डिक्लाइन में था, बट 5 डे के असेसमेंट में वो अभी भी शॉर्ट बिल्डअप में, शायद कल से इस कैटेगरी से शायद निकल भी सकता है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं, और उस हिसाब से आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, बट आज अशोक लेलैंड बैंड में चला गया है स्टॉक। तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, ब्लाइंडली आप सिर्फ कैटेगरी सेगमेंट के बेसिस पर ट्रेड नहीं ले तो बेटर है उसमें। तो चलिए देखते हैं तो स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का यहाँ बुलिश स्टैंड है, एक 4 लॉन्ग के सामने 1 शॉर्ट, 3 3 के सामने 1। पुट्स में भी 1:2 से थोड़ा ज्यादा स्प्रेड बनाते हुए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, और अब 1 लाख पार करके सेंचुरी के बियॉन्ड चले गए। प्रॉप डेस्क यहाँ पर भी बुलिश है, देखिए फ्यूचर भी बुलिश लिया पोजीशन, यहाँ पर भी बुलिश है, हेजिंग नहीं है, उल्टा लॉन्ग ज्यादा है। इनफैक्ट पुट में उनका शॉर्ट्स देखिए 15-16 हजार के सामने 36 हजार, मतलब फुल ऑन प्रॉप डेस्क तेजी मोड में है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग, और ये हम यहाँ देख सकते हैं उनकी तरफ से आज यहाँ पर भी बेरिश टोन थोड़ा ज्यादा दिखाते हुए क्लाइंट्स। पुट कॉल रेशियो काफी नीचे आया, 1.21, बहुत दिन से, मतलब लास्ट वीक के हिसाब से नीचे है, लास्ट 2 दिन के हिसाब से एकदम फ्लैट, 1.33 तक चला गया था, 1.21। एडवांस डिक्लाइन आज भी बहुत सॉलिड, आज बहुत बुलिश मोड में था। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट, ऑप्शन चार्ट सबको। और आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये एक वीडियो टोटली एजुकेशनल बेसिस में है, बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें स्टडी ठीक से करें, अपना रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। एंड में आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर देखिए, आज डेरिवेटिव कैश सेगमेंट में दोनों इंस्टीट्यूशनल बायर है, एफआईआई बहुत नॉमिनल बायर है, बट मार्केट में कैश सेलर ये दोनों है। और जबकि हम जानते हैं आज क्लाइंट्स का फुल ऑन बेरिश मोड लग रहा है, तो लगता है बल्क सेलिंग आज क्लाइंट्स ने ही कैश मार्केट में की है। मार्केट में तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी के साथ। मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी में आज लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बना है, यहाँ पर लॉन्ग लोअर आप देख सकते हैं, विक कितना बड़ा है, एकदम ऊपर की तरफ बन रहा है, काइंड ऑफ डोजी भी बोल सकते हो आप, डोजी कैंडल है इधर पर। देखते कल यहाँ क्या करता है, बट वो जो वेज पैटर्न है वो अभी भी ऑन है, यहाँ पर एक वेज पैटर्न अभी भी ऑन है। जब तक ऊपर के और ब्रश करके नहीं निकलता है तो नहीं होगा। और जो ऊपर का कल का रेजिस्टेंस है वो 10,825 पर है, सपोर्ट 10,700 700 के नीचे वो ट्रेंड लाइन की चांसेस है वॉयलेशन होने की। और अगर 10,825 के ऊपर 25 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर शायद 11,000 का भी एक पैसेज खोल देता है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। तो चलिए, क्योंकि 10,800 के पास ही बंद हुआ है, तो हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन चार्ट को एक बार।
10,800 के स्ट्रैडल कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 कॉल पर 155, उसके ऊपर 180 का बन रहा है, एकदम अपर टेरिटरी में। और अगर फिलहाल उतना ही पकड़ते हैं, फिर कल एसेस कर सकेंगे इसको। सपोर्ट का ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 130, उसके नीचे क्रूशल सपोर्ट 120, वो नहीं होल्ड किया तो स्लिप डाउन हो सकता है 100 तक। 10,800 का पुट को भी चेक कर लेते हैं। 10,800 के पुट एकदम लोज पर है, एकदम स्क्वाश्ड होके डाउनवर्ड मूवमेंट आज का लॉन्ग अपर शेडो के हिसाब से, लोअर शेडो के हिसाब से। तो ये रहा अपना, यहाँ पर सपोर्ट है 110, उसके बाद तो सीधा नीचे 90 का सपोर्ट आ रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे स्क्रीन में दिख रहा है वो यहाँ पर है 140 के पास। 140 इतना इजी नहीं होने वाला है इसके लिए रिकवर करना। अगर 140 रिकवर करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा इधर है 160 से लेके 170 तक इस पुट का। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है? राइटर ही राइटर, 10,800 पर अच्छा राइटिंग है, उसके नीचे भी काफी कंसिस्टेंट राइटिंग। आज फर्स्ट डे था इसकी एक्सपायरी का, 825 इन द मनी में भी पेनिट्रेशन होते हुए। कॉल साइड में अभी भी ओआई बरकरार है 10,700 का। आप देखो काफी बड़ा क्वांटिटी है, राइटर अभी तक मूड में नहीं कवर करने का। इनफैक्ट 750 775 पर भी राइटर अभी तक डटे हुए हैं। इनफैक्ट एडिशन 775 800 पर तगड़ा एडिशन, आज कंसोलिडेशन पर एडिशन दोनों साइड 800 पर। कॉल राइटर पुट राइटर को लग रहा है कि कहीं नहीं जाएगा ये, अभी इतना जल्दी गिव अप नहीं करेगा। थोड़ा डीप इन द मनी भी हम कॉल राइटिंग का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट एडिशन है। 10,800 का जो कॉल पुट है वो एकदम फ्लैट है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल बायस, बेरिश बायस बोलूंगा इसको, एकदम फ्लैट। तो क्यों, डायरेक्शन का क्या मूवमेंट हो सकता है इसके? कॉल पुट के पीसीआर को चेक कर सकते हैं हम कल से कि कौन से डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहा है ये वाला। चलिए इसके आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 10,700, उसके नीचे 10,600, रेजिस्टेंस 10,900, उसके ऊपर 11,000। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई थी। तो फिन निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 20,500 पर है, 2,500 ये लेवल। यहाँ देखते हैं इसके ऊपर क्या करता है। ऐसे भी इचिमोकु क्लाउड के अंदर है, क्लाउड के अंदर वोलेटिलिटी रहता है और हमने वही देखा है लास्ट 2 हफ्ता में इस इंडेक्स को लेके। देखते हैं अब आगे क्या होगा। वैसे सब आज का ये क्लाउड का लोअर एंड टेस्ट करके बाउंस मारा है वापस। तो ये जो लेवल है 20,250 ये क्रूशल है। 20,250 अगर नहीं संभाल पाएगा तो फिर ये एक लोअर हाई जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, हाई लोअर हाई इधर, और फिर प्रेशर में आ सकता है ये इंडेक्स डाउनवर्ड साइड में। तो 2,500 2,250 के लेवल्स के बीच में खेलो इंडिया खेलो, चल सकता है इसमें। उसके बाद ट्रेंडिंग 20,365 बंद हुआ है तो 2,400 का कॉल चेक कर रहा हूं मैं। 2,400 के कॉल में एकदम सपोर्ट के पास टेस्ट हुआ था आज 180, वो एक लेवल इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे 165 दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इसके लिए। रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस 215, उसके बाद 250 और फिर 270 का हो सकता है। 2,300 का पुट देखते हैं, ये आज का कर दिया बाय मिस्टेक N2300। 2,300 पुट एकदम लोज के पास हमने देखा, क्योंकि काफी रिकवरी हुई थी इंट्राडे ले सेकेंड हाफ में इसमें। और 145 पहला सपोर्ट, उसके बाद
140 का दूसरा सपोर्ट है, उसके नीचे क्या कर सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। इतना बड़ा दूजी कैंडल है इसमें, 127, 141, 131, 1.13। सपोर्ट जो है वो 140, 135, 125, 120 तक, वैसा इसका सपोर्ट के पोटेंशियल है इसमें। पर याद रखिए, कल से फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, मेल्टिंग अपने हिसाब से होगा, अनलेस एक सुपर डुपर लॉन्ग रन है। और रेजिस्टेंस उस हिसाब से प्लॉट करते हैं, पहला रेजिस्टेंस तो इधर ही है 165, फिर 180 और फिर 195-200 पर। चलिए इसके भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, तो क्या ऑप्शन चेन में कल से मूवमेंट होगा इसमें, वो भी देख ले एक बार। हम तो यहाँ पर एडिशन 2300 पर है, 20,000 पर है सीधा नीचे, बीच में कुछ ज्यादा नहीं है। कॉल साइड अपर साइड इन द मनी पुट में तो थोड़ा सा ये अनवाइंडिंग कुछ नहीं है लगता है, एक्टिविटी तो, ये तो सॉरी ये तो आज का देख रहा हूँ क्या, ना 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 गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करिएगा। क्या डायरेक्शन है ये, एक्सपायरी 13 फेब है, डेटा में कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रहा है। एक मिनट एनएससी को लगाता हूँ पॉज करके, 1 सेकेंड। एनएससी में भी सेम ही दिखा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है कोई भी इसमें डाउनवर्ड इन द मनी कॉल्स में। तो चलिए वापस चेक कर लेते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पोर्टल में। और ये रहा आपका एडिशन 20,300 कॉल पर, 20,300 कॉल, 20,400, बहुत नवे, बहुत नवे, ना के बराबर कोई एडिशन होते हुए इधर भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है इसमें। फिर निफ्टी में ऐसा एकदम सबका मन मिड कैप सेलेक्ट, बैंक निफ्टी, निफ्टी में इधर में ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई, ऐसा लग रहा है इसको सबने इसको छोड़ दिया है एकदम। तो आज के ओपन हाई, लो, क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए निकल कर आए हैं वो है 2150, उसके नीचे 19950, रेजिस्टेंस 2575, उसके ऊपर 20,775। बट ओनली इंटरेस्टिंग है कि ये एक कॉल साइड में एक ये हुआ एडिशन है, और यहाँ पुट पर थोड़ा सा एडिशन है, कुछ जैसे एक्टिविटी नहीं है, वो भी 2300। पूरा दिन किसी का मूड ही नहीं था जैसे इसको कल के लिए बनाने के लिए, स्ट्रेंज है काफी। इतने दिन बाद ऐसा एक डल स्टार्ट देख रहा हूँ एक फिन निफ्टी के एक्सपायरी में। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो अगेन क्लाउड के अंदर का चक्कर देखिए क्या मूवमेंट है, जिस स्पीड से पहले डाउन फिर अप फिर वापस डाउन, पागलपंती, नॉन ट्रेंडिंग पागलपंती बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 46,000 पर है, 46,000 के ऊपर एक्टिविटी आ सकती है, 46 के ऊपर ये फिर कोशिश करेगा फॉर अनदर 4-500 या मे बी इधर तक एक वापस उसको पार करने की कोशिश, 46 निकालना ही पड़ेगा मिनिमम। सपोर्ट जो है वो 44,775 पर है, 44,775, थोड़ा सा सॉरी 45,500, माई बैड, 45,500 का सपोर्ट है। 45,500 के नीचे थोड़ा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ सकता है टुवर्ड्स 45,350, और फिर और थोड़ा भी हो सकता है जिस तरीके का सेटअप था आज बैंक्स में। तो अभी चेक करते हैं 45,700 का कॉल पुट, क्योंकि फंड हुआ है 45,690, 45,700। आप देखिए एकदम लोज पर कॉल आके वहां से वापस स्पाइक लास्ट 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट में बड़ा, हम जानते हैं आज बुलिश थे प्रॉप डेस्क मार्केट में। तो ये वाला पहले इसका सपोर्ट पकड़ लेते हैं फिर रेजिस्टेंस पर जाते हैं इसमें। तो ये रहा आपके सपोर्ट लेवल्स, एकदम
एट्टी का पहला 180 का पहला सपोर्ट है, उसके बाद 150, 125, 100, इसके लिए रेजिस्टेंस कहाँ है वो भी मेजर कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस इधर ही है 265 टू 270, 290 ये वाला, उसके बाद बड़ा वाला 325, और ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 375 का। 375 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा ये स्ट्राइक, तो ये सीधा आपको 4 500 तक, 450 500 तक ले जाएगा, जिसका मतलब 46,000 कप का पार हो चुका होगा उस कॉल के लिए। फिर उस हिसाब से चलिए देखते हैं, 46,000 45,700 का पुट, एकदम लास्ट 15 मिनट स्लैश डाउन कैंडल, एकदम यहाँ पर एकदम सपोर्ट पे बंद हुआ। ये सपोर्ट अगर वायलेट करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट्स कहाँ है उसको हम खोजते हैं एक बार। 78% पर बंद हुआ है फिबोनाची, तो लगाते हैं 88 यहाँ पर। ऑलराइट, ये लेवल अगर नहीं होल्ड करेगा 150, सपोजिंग कल मार्केट स्ट्रॉन्ग टू फ्लैट खोलता है, तो डीके फैक्टर 160, 125 और फिर 80, सीधा डाउनवर्ड स्पाइरल। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस है 265, काफी ऊपर है 265 से 290, फिर 400, 400 बड़ा रेजिस्टेंस है, इजी नहीं है 400 से 425 पकड़िए रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकला तो बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है अप टू 700 ये वाला, तो मतलब मार्केट क्रैश मोड में होगा अगर वैसा कुछ होता है, अगर वैसा लेवल्स मार्क्ड है, देखते हैं कल क्या करता है। तो चलिए इसके भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में 45,600 पर हम देख रहे हैं, राइटिंग तो 45,700 पर भी है, 600 पर भी है। इंटरेस्टिंगली देखिए, पुट राइटर यहाँ पर कवरिंग निकल गए यहाँ से, काफी काफी अनवाइंडिंग, कोई पोजीशन नहीं रखना चाहता। 46,000 का पुट राइटर अभी भी बरकरार, 46,45,800 पर भी बरकरार इस समय, नीचे में है राइटिंग, काफी है, काफी स्टेडी राइटिंग है। ये तो हीरो जीरो वाले बायर है यहाँ पर एकदम, उस हिसाब से तो है राइटर की प्रेजेंस थोड़ा। 45,900, 46,000 के पुट राइटर ने आज एग्जिट ले लिया, मतलब फाइनली गिव अप कर दिया, या मे बी नेक्स्ट वीक के स्ट्राइक मर घुस गए उस हिसाब से। कॉल साइड इन द मनी में भी पेनिट्रेशन देखिए, 45,500, 45,600 नॉन स्टॉप पेनिट्रेशन है, 45,700 सब जगह कॉल साइड में नॉन स्टॉप राइटिंग दिख रही है यहाँ पर, एकदम भयानक पोजीशन बनाते हुए मार्केट में इस समय कॉल राइटर्स। कॉल राइटर का पल्ला थोड़ा सा हेवी लग रहा है, स्ट्रेनली 45,700 का स्ट्रैडल देखिए आप, 14,90,000, 14,16,41, स्लाइटली बेरिश है, बहुत स्लाइटली पीसीआर बेरिश है। अगेन कल सुबह 30 मिनट्स के बाद हमें क्यू मिल जाएगा कि कौन सा साइड भारी होने वाला है कल मार्केट में 45,700 का स्ट्रैडल का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 45,225, उसके नीचे 44,775, रेजिस्टेंस 46,150, उसके ऊपर 46,600। चलिए लास्ट में निफ्टी को चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में आज अच्छा क्लोजिंग काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट मना काफी स्ट्रॉन्ग अपर मूव लाके बंद हुआ है, और कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,975 का है। 21,975 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर, तो एक अटेम्प्ट हो सकता है फिर वो न्यू हाई का, जिस तरीके से हमने प्रॉप डेस्क को आज बाइंग करते हुए देखा, शायद उनका वही स्ट्रेटेजी है।
अब सपोर्ट भी देख लेते हैं, अगर 975 नहीं जाता है और डाउनवर्ड अगर आता है तो डाउनवर्ड ट्रिगर क्या हो सकता है कल के लिए? तो वो 875 अर्लीस्ट ट्रिगर, 875 के नीचे अगर स्लिप होने लगता है तो फिर 21,650 वो सब लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो एक फिलहाल इंडेक्स में वो क्लैरिटी मिसिंग है, जो हम स्टॉक्स पर बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं या कुछ सेक्टर स्टॉक्स पर बेरिश, इंडेक्स पर अभी भी लड़ाई चालू है फुल ऑन इस समय। तो 21,930 बंद हुआ है, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ 22,000 और 21,900। देखिए ये भी लास्ट 15 मिनट का कैंडल देखिए, बहुत शार्प प्रॉप डेस्क का एंट्री उधर लास्ट मोमेंट एडिशंस करते हुए। यहाँ पर 105 पर पहला रेजिस्टेंस है, 105, फिर ऑल द वे सीधा 150 से 155, ये वाला एक फिर टफ होने बीच में एक इधर है 140 से 150 आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस, और फिर सीधा यहाँ 250 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये 250 अगर जाता है या 150 भी अगर जाता है तो हम न्यू ATH पर ही उस समय ट्रेड कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं 21,900 के पुट को, 21,900 पुट सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट भी खोज करते हैं एकदम। इसमें भी देखिए लास्ट 15 मिनट का कैंडल एकदम जैसे प्यार से माल धड़ाधम दे दिया नीचे, 75, 50, 25, इसके नीचे मतलब नहीं और जाके देखने का। रेजिस्टेंस देखते हैं इस पुट का, पुट रेजिस्टेंस 145, 145 पर एक अच्छा लेवल है, उसके बाद तो सीधा यहाँ मिलेंगे हम आपसे 180 और फिर ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 250, 260 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ये 250, 260। अगर 250 जाता है मतलब 21,650 स्पॉट, 600 स्पॉट तक का पोजीशन आप समझो उस समय इसका हो सकता है, अगर ये वहां जाता है, अगर बिग क्वेश्चन मार्क उसका। तो ये लेवल्स है माइंड में रखने के लिए। चलिए हम चेक करते हैं ऑप्शन चेन को, यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देख लें। तो भयानक पुट राइटर है, धनाधन धन धनाधन पुट राइटर, इन द मनी भी पेनिट्रेशन है 950, 22,000, थोड़ा सा अनवाइंडिंग आज के रैली के बाद नहीं रखना है पोजीशन, पर यहाँ पर भी देखिए OI है 22,100, 22,000 राइटर अभी भी है, 22,200 राइटर फुल ऑन है, बट पुट साइड राइटिंग है। अनवाइंडिंग कॉल्स में टिपिकल स्ट्रॉन्ग डे नॉन स्टॉप एकदम, यहाँ तक कि देखिए अभी भी यहाँ पर हुआ है 21,700, यहाँ काफी कवरिंग हुई है 21,800 पर, 21,900 पर हुआ है बड़ा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये 22,000 का कॉल हुआ है देखिए कितना बड़ा अनवाइंडिंग है, मतलब राइटर को 2 दिन कॉन्फिडेंस नहीं है संभालने का इसको। 9:30 स्पॉट बंद हुआ है, नहीं है कॉन्फिडेंस, और अनवाइंड करते हुए ऊपर के लेवल्स पर भी आप देखो जबरदस्त अनवाइंडिंग हुआ है आज इसमें। तो क्लियरली निफ्टी का ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन फिलहाल तो बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है, जो शायद चार्ट्स में नहीं दिख रहा है हमें स्पॉट चार्ट में, और इंडेक्स इंडेक्स ऑप्शन चार्ट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जैसा है, इतना भी कोई मेगा ब्रेकआउट जैसा उधर नहीं दिख रहा है, बट ऑप्शन चेन डेफिनेटली बहुत बुलिश सीन दिखाते हुए निफ्टी के लिए आज इसमें। तो आज के जो ओपन हाई लो क्लोज डेटा था और उसके हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 21,700, उसके नीचे 21,500, रेजिस्टेंस 22,150, उसके ऊपर 22,350। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।